सो आज का वीडियो ना बहुत ही ज्यादा अलग टॉपिक के ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है इटसेल्फ, वो है अबाउट स्टोरेज मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट पे। तो गाइज, हम सभी लोग फोटोग्राफर वीडियोग्राफर्स हैं, हम लोगों के लिए डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट? अगर डेटा उड़ गया तो हम लोगों का तो ऐसी तैसी हो जाता है। एक तो वो सबसे बड़ी दिक्कत, ठीक है, डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ में एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस होती थी डेटा को लेकर के, कि यार मैं ना मल्टीपल डिवाइस पे वीडियोज़ एडिट करता हूँ, ठीक है, जिसमें मेरे लैपटॉप पे भी एडिटिंग होती है, मेरे टैबलेट पे भी एडिटिंग होती है, मेरे मोबाइल पे भी एडिटिंग होती है वीडियोज़ की और फोटोज़ की। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि सपोज करो अगर मुझे कुछ एडिट करना है मेरे मोबाइल पे, तो मुझे पहले से ही उसे मेरे मोबाइल में डालने पड़ता था लैपटॉप से अटैच करके फुटेज को, जो कि अगेन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और अगर आप किसी इंपॉर्टेंट जगह पे ट्रैवल कर रहे हो कभी और आपको कोई फुटेजेस निकालनी है और आपके पास आपका लैपटॉप नहीं है, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। इसी वजह से मैंने ना जो है नेटवर्क पे क्लाउड स्टोरेज लिया हुआ था, तो क्लाउड स्टोरेज में मैं कुछ डेटा डाल दिया करता था और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे डाउनलोड कर लिया करता था। बट प्रॉब्लम क्या थी कि हर बार मुझे उसके लिए इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, वो भी फास्ट इंटरनेट का, ताकि मैं उसे अच्छे से डाउनलोड कर सकूं, ठीक है, और हर डिवाइस पे अलग अलग उसे डाउनलोड करना पड़ता था। उस प्रॉब्लम के समाधान के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था और मैंने जो है ये डिवाइस परचेस किया जो कि सैनोलॉजी से आता है, DS220+, और ये NAS डिवाइस है, NAS स्टोरेज है। अब NAS क्या होता है? NAS बेसिकली एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें आप इंटरनेट कनेक्ट करके और इसे आप अपने घर पे क्लाउड स्टोरेज के तौर पे, अपना पर्सनल क्लाउड स्टोरेज के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा। इसने अराउंड मुझे 32,000 रुपीज़ का कॉस्ट किया, मैंने अमेजोन से इसे परचेज किया था, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जब आप इसे परचेज करते हैं तो ऑफकोर्स आपको इसके लिए सेपरेट हार्ड ड्राइव लेनी पड़ेगी जो कि NAS में कनेक्ट होती है, जो कि नेटवर्क अप्रूव्ड होनी चाहिए, एंड देन फिर आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो वायरलेसली मल्टीपल लोकेशंस पे, मल्टीपल प्लेसेस पे। आज का वीडियो क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने डेटा को सेफ रख सकते हो और बहुत इजीली जो है वो एक्सेस करा सकते हो अपने एडिटर टीम्स के साथ में और अपने पर्सनल खुद के साथ में। सबसे पहले हम लोग इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जब आप इसे परचेज करेंगे इस टाइप का बॉक्स आएगा, बहुत ही अच्छा सा बॉक्स है। मैं जब इसको ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो है वो NAS ड्राइव देखने को मिलेगा जो कि है DS220+। तो ये इस तरीके का नज़र आता है कुछ सॉर्ट ऑफ, ये एक तरीके से एक छोटा सा PC सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि इसमें इसका अपना मदरबोर्ड है, इसमें अपना एक प्रोसेसर है डुअल कोर का, जिसकी वजह से जो है ये डेटा को सेफ रखता है, डेटा को एक तरीके से जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट करता है और साथ साथ में एक्सेस करने में आपको हेल्प करता है। तो एक तरीके से छोटा कंप्यूटर ही समझ लो आप, है ना, और एक छोटे से UPS सॉर्ट ऑफ साइज़ के अंदर आता है, तो इट्स ऑल्सो वेरी लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट। जब हम इसको साइड में रखते हैं तो हमें इसकी पावर सप्लाई केबल्स देखने को मिलेंगी ऑफकोर्स बॉक्स के अंदर से, और लैन केबल देखने को मिलेंगी क्योंकि हमें इसे इंटरनेट से कनेक्ट करना है, और इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद हम हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस पे। अब मैं इसको हटाता हूँ। NAS के अपने क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में DS220+ एंड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ अ कॉम्पैक्ट PC, राइट? और इसके अंदर जो है मैंने राइट नाउ अभी 2TB और 2TB के दो ड्राइव्स डाले हुए हैं, टोटल 4TB मैंने डाला हुआ है। आप डालना चाहो तो इसमें 16TB और 16TB जितना भी आपका मन है उतना स्टोरेज आप डाल सकते हो, क्योंकि आपको अलग से SSDs लेके जो है परचेज करनी होती है। आप देखेंगे यहाँ से ये ओपन होता है, मैं जैसे इसे ओपन करूँगा एंड देन जब मैं इसको पुश करूँगा तो यहाँ पे मैंने जो है इसमें ड्राइव जो है वो लगाया हुआ है। और जब भी आप ड्राइव लेते हैं NAS के लिए तो इसकी नेटवर्क अप्रूव्ड कुछ ड्राइव होती है, मैंने Seagate के लिए सबसे सस्ती में मुझे यही वाली ड्राइव्स मिली, अदरवाइज तोशिबा की बहुत महंगी थी, तो Seagate की अराउंड मुझे 7,000 रुपीज़ की पड़ी है 2TB की एक ड्राइव। और इस NAS में ना दो बे हैं, तो आप देख सकते हैं मैं दो ड्राइव डाल सकता हूँ, तो आपके पास कोई भी स्पेसिफिक ड्राइव हो दो आप इसमें डाल सकते हैं और आप इसे इस तरीके से कनेक्ट करके और यूज़ कर सकते हैं एज ए नेटवर्क स्टोरेज के तौर पे। अब आप देख सकते हैं मैंने बे को ऑफ कर बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, और मैंने इस पर अब ढक्कन जो है फ्रंट कैप जो है वो लगा दिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा एडवांटेज जो है आपको NAS का होगा वो होगा ऑफकोर्स ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, और इसको बस आपको अपने घर में लगा देना है पावर सप्लाई कनेक्ट करके और नेटवर्क से कनेक्ट करके थ्रू LAN, और ये जो है आपका डेटा को जो है वो स्टोर करके रखेगा। और आप कहीं पे भी घूम रहे हो, सपोज करो आप स्विट्जरलैंड में हो और आपको अपना डेटा एक्सेस करना है, तो आप अपने मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो, और साइमल्टेनियसली आप अपने टैबलेट या किसी भी और मोबाइल डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हो।
सबसे अच्छी चीज जो है नेटवर्क अटैच डिवाइस की ये होती है कि जो जनरली हम क्लाउड स्टोरेज लेते हैं, ठीक है, तो क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है, आपको बार बार डेटा अपलोड करना पड़ेगा अपने क्लाउड स्टोरेज पे, एंड देन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपलोड की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपने लैपटॉप पे बैठे हो, आपका नेटवर्क जो है वो कैलिब्रेटेड है आपके लैपटॉप के साथ में स्टोरेज, एंड देन सिंपल जैसे हमारी जो नॉर्मल ड्राइव्स वर्क करती है ना, लाइक जो हमारा नॉर्मल ड्राइव में हम लोग जो डेटा अपलोड करते हैं उस तरीके से इसमें डेटा अपलोड होता है। ऑफकोर्स ये इंटरनेट यूज़ करता है, बट उस लेवल पर इंटरनेट नहीं यूज़ करता जिस लेवल पर जो है वो हमारे क्लाउड सर्विसेज में यूज़ रहता है। और हर बार हम इतनी फास्ट इंटरनेट पे नहीं होते कि हम लोग दो दो पांच पांच जीबी की फाइल जो है वो डाउनलोड करते रहें ड्यूरिंग द ट्रैवल। दैट्स व्हाई नेस्ट जो है वो सबसे अच्छी चीज है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपने इसे घर पे अटैच किया हुआ है, कम से कम इंटरनेट को यूज करके और स्मूथली डेटा जो है अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर पाओगे या किसी भी और पर्टिकुलर डिवाइस पे डाउनलोड कर पाओगे और उसे एडिटिंग के तौर पे यूज कर पाओगे। इसके साथ साथ में गाइस, जब आपके पास में नेस रहेगा ना, तो एक सबसे अच्छी चीज यह होती है अगर आप एक टीम मैनेजमेंट, अगर आपकी टीम में एडिटर्स हैं बहुत सारे, राइट, और आप हर ड्राइव के अंदर डेटा को कॉपी नहीं करना चाहते हो। सपोज करो आपके पास कोई 7-8 एडिटर्स की टीम है या 3 लोगों की भी टीम है और आप चाहते हो कि एडिटिंग का जो है सारा सिस्टम जो है वो एक ही ड्राइव में रहे और वो तीनों जो है इसे एक्सेस कर पाए वायरलेसली, तो नेस वंस अगेन बहुत अच्छी चीज है। अगर आप एक बड़ी कंपनी ओन करते हो या एक छोटी कंपनी भी ओन करते हो, आप एडिटर्स को जो है वो डेटा एक साथ इसमें डाल दो अपने लैपटॉप में जाकर के नेस ड्राइव को यूज करके, और एडिटर्स जो है वो सारे के सारे एडिटर्स डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ में एक और अच्छी चीज ये है कि सपोज करो आपके पास में लैपटॉप नहीं है, आप केवल नेस कैरी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप अपने मेमोरी कार्ड का बैकअप ले सको, अपने हार्ड ड्राइव का बैकअप ले सको, तो यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट 3.0 यूएसबी पोर्ट मिलता है जिसपे आप अपना मेमोरी कार्ड कनेक्ट कर सकते हो वाया कार्ड रीडर, और यहाँ पे आपको एक कॉपी कमांड का बटन मिलता है, सी जो डायल आपको मिलेगा, जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपका जो मेमोरी कार्ड है ना वो कॉपी होना यानी बैकअप होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा नेस के अंदर। तो आप सोचो कि अगर आपके पास लैपटॉप वैपटॉप नहीं है बट स्टिल यू वांट टू टेक बैकअप, आप अपना नेस साथ में ले गए और आप ड्यूरिंग दी शूट जो है अपने घर पे रखो, अपने होटल पे नेस को रखो, मेमोरी कार्ड लगाओ और आप बैकअप बना दो, तो लैपटॉप की आपको ले जाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी अगर आपके पास नेस है। और फिर नेस है और आपने हैंड टू हैंड जो है वो बैकअप लिया, वो सीधे के सीधे आप पंजाब में शूट कर रहे हो वेडिंग, आप दिल्ली में आपका एडिटिंग टीम बैठा हुआ है, सीधे वो जो है वो पूरे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये एक और बहुत अच्छी चीज़ है नेस ड्राइव की। अब मैं क्विकली आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको ओवरऑल सेटअप किया हुआ है। तो गाइज अभी आपको मेरा डेस्कटॉप नजर आ रहा होगा, आपको मेरा गूगल क्रोम का जो विंडो है नजर आ रही होगी। जब आप अपने नेस को सेटअप कर लेंगे, नेस को सेटअप करना बहुत इजी है, आपको जो है गाइड, क्विक गाइड जो है वो मिलती है नेस के बॉक्स में से, जहाँ पे आपको सिनोलॉजी 500 वेबसाइट पे जाकर के नेस फाइंडर को ऑन करके अपने नेस को इंस्टॉल कर लेना है जब आपने नेस को अपने वाईफाई के लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। जब आप सेम नेटवर्क पे रहेंगे तो आपको इस तरीके से एक यूआरएल मिल जाता है पूरा, जिसमें आईपी एड्रेस के थ्रू आप अपने नेस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरा नेस जो है वो मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको जो है वो प्रीव्यू विंडो नजर आती है। ठीक है, अब मेरे पास एक एडमिन राइट है। ठीक है, तो अगर मैं अपने खुद के नेटवर्क पे हूँ तो भी मैं नेस को एक्सेस कर सकता हूँ, और अगर मैं कोई और नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ और मुझे मेरे आईपैड के अंदर डेटा एक्सेस करना है या मुझे मेरे मोबाइल फोन में एक्सेस करना है, थ्रू दिस यूआरएल मैं किसी भी अदर डिवाइस के ऊपर, किसी भी अदर नेटवर्क के ऊपर बैठ करके उसे ओपन करके और एक्सेस कर सकता हूँ मेरे डेटा को। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल स्टेशन पे अगर आप आएंगे तो यू कुड सी कि मैंने दो फाइल्स बना रखी हैं, दो फोल्डर्स बना रखे हैं, एक है मूवी एंड वर्क और दूसरा है पुनीत वर्क। ठीक है, ये दो फोल्डर्स बने हुए जहाँ पे आप स्टोरेज देख सकते हैं। पुनीत वर्क में मेरे पास 1.2 जीबी का स्टोरेज है, 1.27 टीबी का है ना, और मूवीज के अंदर आपको 400 समथिंग जीबी का स्टोरेज मिलता है। ठीक है, स्पेशली मैंने यूट्यूब के कॉन्टेंट के लिए ये जो है वो वेबसाइट ये जो है नेस मैंने परचेज किया ताकि मैं मल्टीपल डिवाइसेस पे एक्सेस कर सकूं जब भी मेरा मन चाहे। ठीक है, तो यू कुड सी के यूट्यूब कंटेंट मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है सारा, और अगर मुझे मेरे मोबाइल फोन पे इसे एक्सेस करना है तो मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ जस्ट टू यूज गूगल क्रोम, और या फिर मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँ मोबाइल फोन में जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो नेस प्रोवाइड कराता है, थ्रू दैट एप्लीकेशन भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ डेटा को, और इसके अलावा मैं गूगल क्रोम के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ मेरे डेटा को, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ। ठीक है, अब हम लोग अपलोडिंग स्पीड देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने नेटवर्क पे बैठे हो तो अपने नेटवर्क पे आप अपलोड कर सकते हो। मैंने ये फाइल्स जो है वो सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं ओपन कर देता हूँ इसको, एंड यू कुड सी कि अपलोड होना जो है यहाँ पे मेरा कंटेंट स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट 10 से 12 Mbps की स्पीड के ऊपर ये डेटा ट्रांसफरिंग का ऑप्शन देता है।
एंड इट्स अराउंड 700 MB का फाइल है ये, जो कि अभी ट्रांसफर हो रहा है, और हार्डली ये 2 से 3 मिनट ले गया। अगर आप अपने नेटवर्क पे सेट होके बैठे हो तो अपने नेटवर्क पे जो है आपका कंटेंट विद इन 2 मिनट 3 मिनट्स के अंदर जो है वो 2-3 GB का जो कंटेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप डाउनलोड करेंगे तो आप किसी भी अदर नेटवर्क पे बैठ के डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपने खुद के नेटवर्क पे कनेक्ट किया है तो उस पे भी बैठ के आप अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप पे, टैबलेट्स पे, जो कि आपके डेटा को एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये एक सॉर्ट ऑफ अपना खुद का पर्सनल क्लाउड सॉर्ट ऑफ थिंग है, जिसके थ्रू आप सारा का सारा डेटा मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं बैठ करके, और डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा को यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग दी यू नो ट्रैवलिंग और ड्यूरिंग दी विथ मल्टीपल पीपल। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर सपोज करिए आपके टीम मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप टीम मेंबर्स को एक्सेस दे दो, और अगर किसी और अपने क्लाइंट्स को आपको एक्सेस देना है तो आप पर्टिकुलर फोल्डर को भी शेयर कर सकते हो। तो दैट्स हाउ नेस्ट वर्क, दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर डेटा एज एन कॉन्टेंट क्रिएटर, एज एन वीडियोग्राफर, एज एन फिल्म मेकर। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ये आपको 110% रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास में नेस्ट नहीं है तो खरीद लो, सबसे सस्ते वाला मैंने खुद ने लिया है क्योंकि मुझे बहुत नीड थी इसकी, और आप भी जरूर खरीदो इसको क्योंकि आपका ये लाइफ बहुत आसान कर देता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो ड्राइव्स मैंने इसमें लगाई हुई हैं HSD उसके लिंक भी, और साथ साथ में जो नेस्ट है उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाकर के आंख बंद के खरीदो, आपके पैसे जो हैं मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि वसूल हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया हो तो कर लें सब्सक्राइब चैनल को और फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून एंड कीप शूटिंग।